में स्टार्ट हो गई है जी। बहुत तेज होना चाहिए ना, तब और मजा आ रही। मुझे वो फुग्गे नहीं निकालते, ये बड़े वाले फुग्गे। कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन में और अभी हम जा रहे हैं बोटैनिकल। बोटैनिकल से लेंगे हम दानिश को, फिर बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं बोटैनिकल में। और ये है दानिश और आज हमारा प्लान हो रहा है आनंद विहार का, एक ऐसा हमारा कैफे जो पूरे दिल्ली में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। अभी ये खुलेगा थोड़ी देर। कहाँ पर जाना है? आनंद विहार। कोई नहीं, आधा घंटा लगेगा। ऐसा लग रहा है हम गाजियाबाद जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से गाजियाबाद का बॉर्डर है। आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से निकल आए हैं और अनिश है हमारे साथ में जो कि काले आ रहे हैं बिल्कुल। और ये आपका आनंद विहार बस अड्डा। हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई आज हम आ गए हैं दिल्ली का सबसे फेमस कैफे और बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। पूरा जो क्रिसमस का वाइब आपको वहाँ पे मिलेगा, स्नोफॉल हो रही है, मतलब आपको मनाली का जो मजा है ना वो दिल्ली में मिलने वाला है। तो हमने दानिश का यार दानिश चलो, और यहाँ से अभी 1.1 किलोमीटर है, अगर आपको आना है तो आनंद विहार से 1.1 किलोमीटर है। तो हम देखते हैं कि हम पैदल जाते हैं या हमको कोई मिल जाता है रिक्शा। क्या इरादा है, पैदल जाओगे कि मतलब? बिल्कुल पैदल जाने के लिए तो सोचा नहीं है, रिक्शा ही हम लोग सर्च कर रहे हैं। रिक्शा देख रहे आगे से क्योंकि हम खाना खा के नहीं आए थे, तो हमने कहा कि छोला भटूरा की एक प्लेट खा लेते हैं। भाई तो ये आ गया हमारा छोला, चलिए गाइस खा ले फिर मिलते हैं। अच्छा भाई ई रिक्शे पे बैठ गए मैं और दानिश, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा थोड़ा सा कम मिल रहे हैं और 15 रुपए सवारी में हमने डील कर लिया है, तो सीधे चलते हैं 30 रुपए में। अभी तो हम जा रहे हैं वीन कैफे एंड हमारे राम भाई मिल गए हैं। तो राम जी नमस्कार, भैया जी क्या हाल चाल है? सब बड़ी बढ़िया। तो रामपाल के छोले वाले हम जरूर एक बार आगे ट्राई करेंगे। जी सर बहुत अच्छा लगा सर। आप कौन है? कहीं भाभी जी से पूछ ले, रामपाल भैया का सबसे पीछे पीपल के नीचे मिलते हैं। अरे बिल्कुल दिल करे आना, 11 से 5 मिलते हैं रामपाल। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। एक हमसे छोटी सी गलती हो गई क्योंकि हमने जो स्नोफॉल डाल दिया था, लेकिन स्नोफॉल नहीं, द विंग कैफे का नाम है और वहाँ पे हम लोग उतर गए। लेकिन अब हमारा ये 200 मीटर के आसपास हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस से यहाँ पे जाएंगे दानिश। बिल्कुल जाएंगे। सो पहुँच गए भाई यहाँ पे, और भी कैफेज हैं और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है दानिश। बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत मज़ा आने वाला है। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वी आर रीच्ड। तो दानिश से पूछा कि यहाँ पे जो फूड है अभी एवरेज लिया भाई, मैंने दानिश से कहा कॉफी पी के सीधा निकलेंगे। वैसे भी पेट तो भरा ही है। हालांकि डेकोरेशन बहुत अच्छा है एंड ये मतलब कि ऑडियंस क्राउड बहुत है। और ये देखिए ये फर्स्ट सनो जो है ना, ये आपका देखो चारों तरफ से आपका बरस रहा है। तो भाई सनो स्टार्ट हो गई है और हम अपने कैमरे को भी बचा रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाटर भी है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो मजा लेते हुए इसको मनाली जाना था, क्या हुआ तुम्हारा? अब प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, पैसे बचाओ। जब दिल्ली में स्नो मिल रही तो हम लोग क्यों जाएंगे, बाहर क्यों जाएंगे? जाओ कैफे बोलो म्यूजिक भी बजा। मुझे अपना कैमरा भी बचाना है। और आपके अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, मतलब कि इसलिए इतनी जो पब्लिक है वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से आ रही है, बिकॉज आप मतलब जो फील है ना आपका सुनो वाला, लोग ऐसे ले रहे हैं तो बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं मनाली। ये क्या हुआ, बंद हो गया सुनो? भाई हमारी हालत देखिए क्या हो गई है यार, तुम्हारा तो पूरा हेयर देखो ऐसे सर। अरे बाप रे, पूरी स्नो है ना पूरी, ये डोंट टच माय स्नो, बेसिकली ये है ना साबुन है, मतलब घर चिपचिपी। अब भाई भी आ जाए, क्या नाम है? तो हमारे अर्पित भाई घर पे वैसे सब लोग मिल रहे हैं वाटर से, यहाँ पे सर्फ एक्सल अपने बालों को धुल रहे हैं। मुझे वो फुग्गे नहीं निकालते, ये बड़े वाले फुग्गे। क्या बात है, चलिए अब नीचे चलते हैं, लेकिन बहुत संभाल के चलना होगा नहीं तो गिर जाएंगे क्योंकि बहुत सारा झाग वगैरह हो रखा है यहाँ पे। भाई आफ्टर सुनो हालत देखिए क्या हो रहा है, पूरे सबके शूज खराब होने वाले हैं और यहाँ डांस अगर हो जाए तब तो और आफत। मतलब भीड़ बहुत ज्यादा है, रील्स ऐसी वायरल हुई है, ऐसी पब्लिक आई ना, मतलब अगर कोई इतना प्रमोशन करता तो आई थिंक तब भी नहीं आती। क्यों दानिश का जो हो गया है ना, सो मोस्टली यहाँ पे यूथ है एंड सेलिब्रेट द क्रिसमस। तो बस अभी हम लोग देख रहे हैं कि अंदर कितनी भीड़ है, हम लोग को टेबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग ट्राई करते हैं, देखें क्या वेटिंग है। भैया भाई फोटो खिंचाने का ऐसा क्रेज है ना, लग रहा है सलमान खान की मूर्ति लगी है। ओहो एक्सक्यूज मी, बहुत ज्यादा बाप रे, सॉरी सॉरी। हे मिस्टर पुली वोंट यू जस्ट सी राइट। भाई ये जो स्नो का राज वहां से आ रहा है, वहां से पूरा झाग निकल रहा है,
एंड ये जो पूरी ऑडियंस के ऊपर गिर रही है देखो, और ये कहना कि दो दो तीस तीस सेकेंड के लिए निकल रहा है, पाँच पाँच दस दस मिनट में, और काफी लेकिन यहाँ पे म्यूजिक होता ना तो और ज्यादा मजा आता, क्यों म्यूजिक होता तो म्यूजिक की कमी लग रही है। और अभी हम यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ पे जो वेटिंग है वो क्या है, सर से पूछते हैं, सर अभी क्या वेटिंग है, क्या वेटिंग है? मेरी 3 घंटे की। ओहो, तो 3 घंटे की वेटिंग है, आई डोंट थिंक मैं यहाँ 3 घंटे तक रहूंगा। वैसे काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, कि सुनो आपका नाम जसवंत सिंह। सो और मुझे लगता है 25 को तो और ज्यादा लोगों को सुबह से टेबल बुक करानी पड़ेगी। टेक अवे में हो जाएगा, चलो पहले हम लोग कैफे एक्सप्लोर कर लेते हैं। भाई वैसे वेटिंग तो आपको 3 आवर्स के लिए बहुत मजा आ रहा है, चलो वेट करना जरूर पड़ रहा है बट खाने के लिए होना है। भाई हमने कहा कि हमको तो टेबल मिली नहीं है, लेकिन जिनको टेबल मिल गई है उनसे हम रिव्यू जरूर ले लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो यहाँ का फूड कैसा लगता है। बर्थडे वो सबसे पहले तो जैसे भाई का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। एंड जस्ट 2 डेज पहले से यू आर वेरी लकी, तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर हमारे ये हमारे ऋतिक भाई, तो कैसा लगा आपको? वेटिंग ज्यादा है, मुझे भी 3 घंटे की वेटिंग है जो मैं रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट कोई नहीं आपको मिल गया है। और खाना वगैरह कैसे होगा? खाना अच्छा, खाना अच्छा टेस्टी है। चलिए गाइस यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास अगर टाइम है तो आइएगा, या फिर पहले से यहाँ पे कॉल वगैरह करके, नहीं तो आपको ये कि लंबा वेट करना पड़ेगा, काफी लंबा ट्रैवलिंग करके आएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा। अगेन हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। चलिए भाई निकलते हैं, थैंक यू बोलना बनता है क्योंकि सर ने परमिशन दी कि हम अंदर भी जाके थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है, कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों दानिश? थीम थी क्रिसमस की, और सबसे जो इसलिए इतनी ऑडियंस आ रही जो आपका स्नो फॉल वाला है ना तो वो काफी अच्छा है जब वो होता है, हालांकि स्नो फॉल का कॉन्सेप्ट तो थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा है। और एक चीज और है कि अगर ये कंटिन्यू होता रहेगा ना तो लोग भीग जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या ना वो झाग है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए हो रहा है, जैसे अभी फिर स्टार्ट हो गया तो हम भी यहाँ पे एंजॉय करेंगे थोड़ा सा, देन फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन मजा आया, अंदर भी अच्छा वाइब आ रहा है, मतलब मुझे क्रिसमस वाली जो फील है ना वो प्रॉपर मिल रही है। गाइस अगर क्रिसमस की वाइब चाहिए तो आप लेकिन आपको अंदर जाने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास लंबी वेटिंग लिस्ट है भाई, 3 घंटे की, तो मेरे को बता रहे हैं, आई हैव नो आइडिया कि आपको कितनी बताएं तो। हाँ लेकिन आप इंजॉय कर सकते हैं, बाहर कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंजॉय करते हैं, आइए चलते हैं। फिर आपको उसमें स्टार्ट हो गई, सारी लड़कियां फोटो वीडियो रील्स में ही लगी हुई हैं। बर्फ का गोला के यहाँ गिरा हुआ है, और देखो और तो नहीं बर्फ का गोला, अबे इतना ये बालों में भी हो गया तेरे, अब पानी टपक रहा है भाई, अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, फिर स्टार्ट हो गया, फिर इंजॉय करो यहाँ पे। ये म्यूजिक और तेज होना चाहिए ना तब और मजा आती। या सुनो बिजली है ना, सुनो फोटो शूट यहाँ पे चल रहा है बहुत ज्यादा, एंड भाई ये है आपका द विंग कैफे जो आपका पड़ता है श्रेष्ठा विहार मार्केट नियर आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, एंड आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से ऑलमोस्ट ये 2 किलोमीटर पड़ेगा, वहाँ से ई रिक्शा भी मिल जाएगा जो साईं बाबा मंदिर के आगे जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे आ सकते हो। और वैसे खाने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, वैसे आके यहाँ पे थोड़ी सी वाइब्स आपको मिल जाएंगी जो मैं रिकमेंड करूँगा कि यार आ जानी चाहिए, कोई नई चीज़ होती है तो आनी चाहिए, क्यों हम लोग भी मज़ा आया, फोटो खिंच जाएंगे, वीडियो बन जाएगा। और तो बस अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हमें यहाँ से निकल के कहीं और भी जाना है, हमारे बहुत सारे प्लान हैं आज। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, मज़ा तो बहुत आया, दिल्ली में बर्फ का मज़ा ही कुछ और है। बर्फ नहीं, कैसे हैं आपके एरिया में बड़ी न्यू कॉन्सेप्ट की न्यू भीड़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार देख रहे इतनी भीड़। हाँ भाई ये तो हमारा आज के व्लॉग में इनका पूरी दिल्ली आ रही है, दिल्ली के सारे इन्फ्लुएंसर क्रिएटर आए हैं, तो आपको भाई अभी दिल्ली में तो हमने कहा हम भी विजिट मारते हैं। और रियली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इट वॉज वेरी गुड, क्यों बताने, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा, प्लीज मस्ट विजिट दिस प्लेस। तो नीचे कैफे का नाम है, आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ कोलैबोरेशन, दिस इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो जस्ट अब हम यहाँ से निकलते हैं, कहीं और जाना है, तो मिलते हैं आपसे हम नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबक है, अल्लाह हाफिज़। एंड गाइस कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।